नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और दो टीटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। और दो टीटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। और दो टीटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। शिक्षा मंत्री मुर्तबा, सरकार मुर्तबा, यार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांग उर्दू टीटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अभी तक नहीं हुआ हो गया वाला दादा, तो सब ऐसे बैठ के गप्पी मार है। सत्तू को तीन लोग शुगर को बुला लेता है, हो गया बंद, कान टाइट कर ले रहता है। क्या था मसला, अब क्या करेंगे? 7 सालों से पूरे बिहार के उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से रिजल्ट जारी करने की भीख मांग रहे हैं। ये सबको पता है कि उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ, यानी रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। हमारे रिजल्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से ओपिनियन मंगवा लिया गया। सरकार को ओपिनियन के मुताबिक रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। डायरेक्टर और प्रधान सचिव का लेटर निकल गया, उस लेटर के मुताबिक जारी करना चाहिए, या सरकार कट ऑफ मार्क्स 5% कम करके रिजल्ट जारी करना चाहिए, या कैबिनेट से सरकार पास करके रिजल्ट जारी करना चाहिए, या सरकार अपना ऑर्डिनेंस ला करके रिजल्ट जारी करना चाहिए। यह कोई नया तरीका नहीं है। 2019 में जनरल टीईटी उम्मीदवारों को बिहार सरकार, बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग ने 50% पे पास किया है। जब आप एक उम्मीदवारों को 50% पे पास करेंगे तो उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों से नफरत क्यों, बैर क्यों, उसको 50% पे क्यों नहीं पास करेंगे आप? यही हमको कहना है, यही चीज़ करना है कि आप सुशासन की सरकार है। हम कभी हम लोग आपके खिलाफ नहीं बोलते थे, ना बोलते हैं, और आज भी आपसे इंसाफी की उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने उसको 50% पे आपने पास किया है, हम उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को 50% पे क्यों नहीं? परसेंटेज कम करना ये कोई नया तरीका नहीं है। त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, झारखंड जैसे अन्य राज्यों में कट ऑफ मार्क्स को कम किया गया, बिहार में क्यों नहीं? रिजल्ट दे करके फेल करना पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ है, ये तो बहुत घिनौनी बात है। अब आप लोग क्या, अब हम लोग ये करेंगे कि अगर 2 हफ्ता के अंदर अंदर बिहार सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर इस रिजल्ट के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई सटीक निर्णय या फैसला नहीं लेते हैं, तो विधानसभा के सत्र में 29 तारीख को यानी 29 नवंबर को शिक्षा मंत्री जी सर के आवास पे पूरे बिहार के मुसलमान और पूरे बिहार के उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार करो या मरो का प्रदर्शन करेंगे। या तो वो इंसाफ करें या कोई तरीका बताएं कि हम लोग मर जाएं। अपना परिचय दीजिए। हसन नजाम जदी, उर्दू बंगला टीईटी प्रदेश अध्यक्ष।